टीवी इंडस्ट्री की कोई भी खबर नहीं होती टीवी का पटाखा से मिस। इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर वापसी कर चुके हैं पवनदीप राजन। शो की जान है पवनदीप, लेकिन काफी समय से वो कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से शो से गायब थे और अब ऐसे में पवनदीप ने जोरदार वापसी की है इंडियन आइडल के मंच पर। लेकिन जैसे ही पवनदीप ने की वापसी, वैसे ही उनकी सबसे अच्छी दोस्त अरुणिता ने किया कुछ ऐसा कि शर्म से लाल हो गए पवनदीप, हालत उनकी खराब हो गई। क्या किया है अरुणिता ने, सुनिए जनाब। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको पता लग जाए टेलीविजन इंडस्ट्री की हर खबर। ये तो आप सभी जानते हैं कि अरुणिता पवनदीप को कितना पसंद करती हैं। इन दोनों के बीच में कुछ तो बात है जो काफी खास है और यही वजह है कि अरुणिता ने पवनदीप को डेडिकेट किया एक बड़ा गाना। अरुणिता ने पवनदीप के लिए गाया लग जा गले से कि फिर ये मुलाकात हो ना हो। जी हाँ, काफी समय से अरुणिता पवनदीप से मिलने के लिए तरस रही थी और खुद अरुणिता ने इस बात का खुलासा शो के सेट पर करा। उन्होंने खुद आदित्य नारायण को ये बताया कि वो हर परफॉर्मेंस के अंदर पवनदीप को मिस करती थी, उनको पवनदीप की याद आती थी और वो पवनदीप को अक्सर फोन भी मिलाती थी और उससे वीडियो कॉल पर बात भी करती थी। लेकिन जब उन्होंने ये गाना गाया तो ये गाना सुनकर पवनदीप के गाल हो गए शर्म से लाल, क्योंकि अरुणिता ने गाया लग जा गले से और जैसे ही ये गाना खत्म हुआ वैसे ही सभी जजेस ने अरुणिता से मस्ती की और उनको पवनदीप के नाम से छेड़ा भी और अरुणिता भी शर्माने लगी। पर अरुणिता ने ये कह दिया कि मैं ये गाना डेडिकेट करती हूँ पवनदीप को। वेल दोस्तों, इशारों में इन दोनों ने ही ये बता दिया है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। क्या है आपकी राय इस पर? क्या आपको भी लगता है इन दोनों के बीच में कुछ तो बात है, कुछ तो खास है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।